स्टार प्लस पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब हाल ही में देखा गया है कि फैंस की नाराजगी के चलते फिर से सीरियल में नया बदलाव आने वाला है जो आप देखेंगे। वेल, हम आपको बताते हैं दरअसल क्या बदलाव आएगा इस सीरियल में। देखा जाए तो शुरुआत से ही मेकर्स ने दर्शकों की पसंद और नापसंद का खूब ख्याल रखा है और लोगों के रिएक्शन को ध्यान में रखते ही मेकर्स ने शो में बदलाव करने का फैसला लिया है। वहीं अगर आप भी शो के करंट ट्रैक से दुखी हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही शो में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वेदिका का किरदार अदा करने वाली पंकुरी अवस्थी शो में कुछ ही दिन की मेहमान है। राजन ने सबसे पहले लोगों की नाराजगी पर बात करते हुए कहा है, लोगों का गुस्सा होना जायज है और हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन अपशब्द कहना गलत है। लोग जिस तरह से चीप कमेंट कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप नाराजगी व्यक्त करिए, लेकिन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम जानते हैं कि लोगों का अटैचमेंट शो से काफी हो है और वे नायरा और कार्तिक के बीच किसी तीसरे इंसान को देखना नहीं चाहते हैं। उसी के साथ हम आपको एक ही बात क्लियर करना चाहेंगे कि इनके बीच कोई भी तीसरा नहीं आ पाएगा। सिर्फ आप कुछ समय दीजिए, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के चलते राजन आगे कहते हैं, ये किरदार यानी कि वेदिका का जो किरदार निभा रही पंखुड़ी सीरियल में कैमियो है। इस किरदार के जरिए नायरा और कार्तिक की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। राजन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हमें पता चल गया था कि लोगों को हमारा नया ट्रैक नहीं पसंद आ रहा है। ऐसे में हमने काफी कुछ सोचा समझा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में सीरियल के दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ थोड़ा सा हमें समय दीजिए। खैर, राजन शाही की बात से साफ लगता है कि शो से वेदिका की विदाई कंफर्म है, यानी कि पंखुड़ी अवस्थी जल्द ही शो को अलविदा कहने वाली है। देखना ये होगा कि क्या दर्शकों को ये बदलाव फिर से पसंद आता है कि नहीं। नेक्स्ट 9 लाइव से नाजमिन की रिपोर्ट।